नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट स्पार्क। आज है 1 सितंबर 2023 और डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आज के इस प्रकार हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन द ज्यूरिच डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023। ऑप्शन ए गोल्ड मेडल, बी सिल्वर, सी ब्रॉन्ज मेडल और डी नो मेडल। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सिल्वर मेडल। डिटेल में देखते हैं, इंडियाज स्टार जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा हैज क्वालिफाइड फॉर द डायमंड लीग फाइनल। द फाइनल ऑफ दिस लीग विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ इन यूजीन यूएसए ऑन 16 and 17 September। नीरज चोपड़ा फिनिश्ड सेकेंड इन द ज्यूरिच डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 85.71 मीटर। जैकुब वेडलेक ऑफ द जेक रिपब्लिक सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजिशन विद 85.86 मीटर। एट द सेम टाइम जर्मनीज जूलियन वेबर फिनिश्ड थर्ड with a throw of 85.04 meters. Neeraj Chopra's best throw is 89.94 meters, which is a national record. Next question, question number 2. Who has been appointed as the first woman chairman and CEO of Railway Board? Option A, Samiksha Singh, बी जया वर्मा सिन्हा, सी जयंती शर्मा और डी हेमलता कुशवाहा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले डिटेल में जान लें इसको। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड जया वर्मा सिन्हा एज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड। शी विल रिप्लेस अनिल कुमार लाहोती एट दिस पोजिशन। रेलवे बोर्ड इज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी इन रेलवेज। रेलवे बोर्ड जया वर्मा सिन्हा हैज़ बीन एन एलुमनस ऑफ अलाहाबाद यूनिवर्सिटी। जया ज्वाइंड द इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस IRTS in 1988. Jaya Verma Sinha has also worked as Chief Commercial Manager in South Eastern Railway. Next question, question number 3. Who has taken over as Principal Director General of All India Radio and NSD? Option A, Dr. Vasudha Gupta, B. Meenakshi Lekhi, C. Abhirup Sharma और डी रमेश सिंह। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए डॉक्टर वसुधा गुप्ता। डिटेल में देखते हैं, अ सीनियर ऑफिसर ऑफ द 1989 बैच ऑफ द इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस डॉक्टर वसुधा गुप्ता हैज टेकन ओवर एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड न्यूज सर्विसेज डिवीजन NSD। प्रायर टू दिस She was working on the post of Director General in All India Radio. He has also served as the Director General of Press Information Bureau, PIB. Director General of PIB, Press Information Bureau. Next question, question number 4. In Assam, the longest flyover of the state was inaugurated. What is its length? 2 kilometer, B 2.15 kilometers, C 2.63 kilometer or D 3 kilometer. The right answer is option C 2.63 kilometer. Detail mein dekhte hain. Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma inaugurated the longest flyover in the state, which has been named Neelachal Flyover after the Neelachal Hills. Its total length is 2.63 kilometers.
एंड इट हैज़ बीन बिल्ट फ्रॉम मलीगांव चारियली टू कामाख्या गेट इन गुवाहाटी. इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 420.75 crore rupees एंड वॉज बिल्ट इन अ पीरियड ऑफ 35 months. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ग्लोबल इंडिया AI 2023 कॉन्फ्रेंस. ऑप्शन ए इंडिया, बी जर्मनी, सी जापान और डी फ्रांस. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंडिया. डिटेल में देखते हैं, इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ग्लोबल इंडिया AI 2023 कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर दिस ईयर. इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर AI एप्लीकेशंस इन नेक्स्ट जनरेशन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड कंप्यूटिंग सिस्टम्स. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर हैज़ गिवन दिस इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच स्टेट हैज़ द गृहलक्ष्मी स्कीम फॉर वुमेन बीन लॉन्च्ड रिसेंटली. ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटका और डी असम. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कर्नाटका. डिटेल में देखते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज लॉन्च्ड द सोशल वेलफेयर स्कीम फॉर वुमेन गृहलक्ष्मी योजना इन मैसूर. अंडर दिस द फीमेल हेड ऑफ अ फैमिली विल गेट ₹2,000 पर मंथ फ्रॉम द गवर्नमेंट. द रजिस्ट्रेशन फॉर गृहलक्ष्मी योजना स्टार्टेड फ्रॉम 19th July. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल. ऑप्शन ए उमेश रेवांकर, बी राजीव कुमार, सी अजय सिन्हा और डी रवि मल्होत्रा. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए उमेश रेवांकर. डिटेल में देखते हैं, द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल FIDC हैज अपॉइंटेड उमेश रेवांकर एज द न्यू चेयरमैन ऑफ FIDC. He is currently working as the Executive Vice Chairman of Shri Ram Finance Limited. He has over 35 years of experience in the financial services industry. He joined the Shri Ram Group in 1987. So, ab hum one word answer questions practice karenge. First question hai, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, हु हैज़ बीन मेड इट्स चेयरमैन. इसका आंसर है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन ज्यूरिच डायमंड लीग चैंपियनशिप्स 2023. इसका राइट आंसर है सिल्वर मेडल. क्वेश्चन 3, ऑन विच डे इसरो इज गोइंग टू लॉन्च द आदित्य L1 मिशन. तो इसका राइट आंसर है 2 सितंबर 2023. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल. इसका आंसर है उमेश रेवांकर. फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच स्टेट रिसेंटली गृहलक्ष्मी स्कीम हैज बीन स्टार्टेड फॉर वुमेन. तो कौन सी स्टेट में, इसका आंसर है कर्नाटका. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ग्लोबल इंडिया AI 2023 कॉन्फ्रेंस. फर्स्ट कंट्री कौन सी है जिसने होस्ट किया है, इंडिया. इंडिया इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन असम
लॉन्गेस्ट फ्लाई ओवर, लॉन्गेस्ट फ्लाई ओवर ऑफ द स्टेट वॉज इनोग्रेटेड, इट्स लेंथ इज, कितनी लेंथ है, 2.63 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट फ्लाई ओवर ऑफ असम। एट्थ क्वेश्चन, हु हैज टेकन ओवर एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड NSD, इसका राइट आंसर है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यूनिट 3 ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट इंडिजिनस 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक ककरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज स्टार्टेड विद फुल कैपेसिटी, इन विच स्टेट इज इट, आंसर है इसका गुजरात। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे न्यू डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।